आपकी रिहर्सल भी अच्छी होगी और आप रिटेक्स भी नहीं देंगे, और अगर देंगे भी तो भी पूरी यूनिट आपको सपोर्ट करेगी वो सीन अच्छा करने के लिए। दोस्तों, बहुत बार नए नए एक्टर्स को बड़े बड़े नामचीन पॉपुलर सेलिब्रिटी एक्टर्स के साथ काम करना पड़ता है, उनके साथ सीन शूट करना पड़ता है, और ऐसे समय ये नए एक्टर बहुत डर जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि क्या हम ये सीन सही तरीके से कर पाएंगे। चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि ये सब जो मामला है ये क्या है, और किसी भी सेट पे किसी भी नामचीन एक्टर के साथ, किसी भी बड़े एक्टर के साथ हमें काम कैसे करना चाहिए। दोस्तों, मान लीजिए कि आप कहीं पे काम पे जाते हैं और हर रोज शाम को जब आप थके हारे घर आते हैं, आप दरवाजा खोलते हैं, कहीं पे शूज निकाल लेते हैं, कहीं पे बैग रख देते हैं, आपको दिखाई देती है माँ जो सामने सोफे पे कुछ काम कर रही है। आप वहां पे जाते हैं, माँ के पास बैठ जाते हैं, उसके गोद में अपना सर रखकर बोलते हैं, माँ बहुत थक गया हूं। माँ आपका सर दबाने लगती है, माँ आपका दर्द समझ सकती है। माँ बोलती है, अच्छी सी कॉफी बना के लाओ, अच्छा लगेगा। आप बोलते हैं, नहीं ऐसे ही रहो, मेरा सर दबाते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम ये सोचते हैं कि आप एक्टर हो गए और आपको कहा गया है कि आपका आज का सीन एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी एक्ट्रेस के साथ है जिसके बेटे का काम आपको करना है, और उस सेलिब्रिटी एक्ट्रेस का नाम आपने बहुत सुना है, आपने बचपन से उसका नाम सुना है, आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं, और आज आपका उनके साथ सीन है। आप तो टेंशन में आ ही जाएंगे क्योंकि इतने साल जिनको हमने देखा है, जिनको हमने रिस्पेक्ट किया है, जिनको हमने गुरु माना है, जिनसे हमने सीखा है, उनके साथ आज आपका सीन है। बहुत सारे एक्टर्स बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करते वक्त इसी तरह डर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। मैं आपको अभी बताता हूं कि क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आपके जिंदगी में आपकी जो माँ है वो माँ, और ये जो माँ है जिसके साथ आपका सीन होने वाला है वो माँ, इन दोनों में क्या फर्क है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। मैं बताता हूं क्या फर्क है। जो अपनी मां है उन्हें आप कितनी साल से जानते हैं, उन्हें आप बहुत सालों से जानते हैं, आप 20 साल से 30 साल से जानते हैं अपनी मां को। लेकिन ये जो एक्ट्रेस है, क्या इसे आप पर्सनली जानते हैं, नहीं जानते। क्या ये जो सेट है इसे आप पर्सनली जानते हैं, नहीं जानते। लेकिन आप आपके घर को पर्सनली जानते हैं। आप रात को 12 बजे उठकर बिना लाइट लगाए बाथरूम जा सकते हैं, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि आपको आपके घर का कोना कोना मालूम है, और यहां तो सेट लगा हुआ है जो आप पर्सनली नहीं जानते। नहीं उस मां को आप पर्सनली जानते हैं, नहीं उस सेट को आप पर्सनली जानते हैं, नहीं उस कैमरामैन को आप जानते हैं जो आपका सीन शूट करने वाला है, नहीं आप आपके क्वालिटीज को जानते हैं, नहीं आप आपके मेकअप मैन को जानते हैं, किसी को भी पर्सनली जानते नहीं है। आपकी टेंशन की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप इनमें से किसी को भी पर्सनली नहीं जानते। तो इस पे उपाय क्या है? बहुत सीधा सा उपाय है, जान पहचान कर लीजिए। जाइए जाइए उस एक्ट्रेस के पास, उनके पास जाकर उनसे कहिए कि मैं वही एक्टर हूं जो आपके बेटे का रोल कर रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो एक्ट्रेस भी यही सोच रही है सुबह से कि वो कौन एक्टर है जो मेरे बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, क्योंकि उसे भी डर है कि वो कौन एक्टर है जो मेरे साथ एक्टिंग करने वाला है, क्योंकि वो भी आपसे अनजान है, वो भी आपको पर्सनली नहीं जानती। जैसे ही आप उनसे मिलेंगे वो भी खुश हो जाएंगे, अरे हाँ आप हैं क्या। उसके बाद आप जेन्युइनली उनसे कहिए कि मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम सीन कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि प्लीज आप मेरे साथ एक बार रिहर्सल करें। दुनिया का कोई भी एक्टर जिसने कैमरा एक्टिंग की है, जिसने सालों साल कैमरा एक्टिंग की है, उसको मालूम है
कि रिहर्सल का इंपॉर्टेंस कितना होता है। वो कभी भी रिहर्सल के लिए ना नहीं कहेगा। आप कितनी भी बार कहे कि मुझे आपके साथ रिहर्सल करनी है, कोई भी अच्छा एक्टर जो हमेशा कैमरे के सामने एक्टिंग करता है उसे मालूम होता है कि कैमरा एक्टिंग में रिहर्सल के लिए बहुत कम वक्त मिलता है, जितना भी वक्त मिलता है उसमें रिहर्सल करनी ही चाहिए। तो वो एक्ट्रेस आपके साथ रिहर्सल करेगी। इससे दो बातें होगी, जिस सेलिब्रिटी एक्ट्रेस को आप पर्सनली 0 सेकेंड्स पहचानते थे उसको आप अब 30 मिनट्स पहचान गए हैं। 30 मिनट्स उसके साथ आपने बिताए हैं, आपको पता चल गया कि ये एक्ट्रेस है कैसी, इसका तो नेचर बहुत अच्छा है, मैं क्यों इससे डर रहा था, क्यों इतना मैंने टेंशन लिया था इसका, ये तो बहुत अच्छी है, इसने तो मुझे सजेशन भी दिए। जी हाँ, बहुत अच्छे अच्छे एक्ट्रेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेस, बहुत बहुत एक्सपीरियंस एक्टर्स नए नए एक्ट्रेस को बहुत अच्छे सजेशंस भी देते हैं। अगर आप खुद उनके पास जाए और कहे कि हमें आपके साथ रिहर्सल करनी है, प्लीज जरा देखिए क्या मैं ठीक तरह से कर रहा हूं, वो आपको बहुत अच्छे सजेशन देंगे। इससे आपकी भी एक्टिंग उभर आएगी और आपको बहुत फायदा होगा। तो यही उपाय है दोस्तों कि आपको उनके पास जाना है, उनके साथ बोलना है, उनके साथ बातचीत करनी है, इससे आपकी जान पहचान बढ़ेगी। अब जो मैंने एक्ट्रेस के बारे में कहा वही सेम टू सेम सेट को भी अप्लाई होता है, स्टूडियो को भी अप्लाई होता है, लोकेशन को भी अप्लाई होता है, कैमरामैन को भी अप्लाई होता है। अगर नहीं मालूम आपको लोकेशन, जाइए लोकेशन पे, मिलिए उस कैमरामैन को और कहिए कि इस सीन में जो बेटे का कैरेक्टर करने वाला एक्टर है वो मैं हूं। कैमरामैन भी खुश हो जाएगा, अच्छा आप हैं, जरा यहां पे बैठ के दिखाइए, मैं थोड़ी सी लाइट मार के देखना चाहता हूं कि मेरा लाइट बराबर है या नहीं है। चलिए हो गई उससे भी जान पहचान। उसके बाद एक एक करके हर एक आदमी से मिलिए, क्योंकि हर एक आदमी जानना चाहता है कि वो जो बेटे का कैरेक्टर करने वाला एक्टर है वो है कौन, क्योंकि उसमें से हर एक उस एक्ट्रेस को तो जानता है लेकिन आपको नहीं जानता। अगर आप नए हैं उनके लिए तो आप खुद जाके उन्हें मिलिए, अपनी जान पहचान बढ़ाइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो फिर आपकी रिहर्सल भी अच्छी होगी और आप रिटेक्स भी नहीं देंगे, और अगर देंगे भी तो भी पूरी यूनिट आपको सपोर्ट करेगी वो सीन अच्छा करने के लिए।